प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, जहां पर मैं देवराज वर्मा आपको 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। दिस करंट अफेयर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स 2023 एग्जामिनेशन। जैसे कि आपने देखा है कि सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, और इसके अंदर हम आधे घंटे आपको पढ़ाते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर समझा देते हैं। और दिस इज द 64th लेक्चर, 64th लेक्चर के अंदर आपका स्वागत है। राइट, बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो, देखिए ये एक हम गेम की तरह खेल रहे हैं। ये मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर मैं उसको अंदर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ आपको, बट इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मेक शॉर्ट नोट्स, जितने ज़्यादा अच्छे हो सके उतने ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाएं, रिवाइज PDF एटलीस्ट 2 times, ठीक है, और प्ले क्विजेस, क्विजेस अगर आप देखेंगे स्पेशल क्लास के थ्रू बहुत सारी क्विजेस के अंदर होती है, वो आप इसके अंदर समझ सकते हैं। और शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, दिस इज योर ड्यूटी, मोरल ड्यूटी एज वेल एज योर स्टैट्यूटरी ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, कोई सी भी ड्यूटी मानी है, बट दिस इज वॉट यू हैव टू शेयर इट वाइडली, राइट, तभी जाकर हम इस तरह के कोर्सेज आपके लिए ला पाएंगे, राइट। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पाथफाइंडर इज ए पार्ट ऑफ एन अकेडमी, और अन अकेडमी जो है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 100+ टॉप एजुकेटर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे यू कैन चेंज द कोर्सेज इफ यू डू नॉट लाइक वन कोर्स, यू कैन शिफ्ट ऑन अनदर कोर्स। इसी तरह से आप एक लेक्चर के ऊपर अनलिमिटेड व्यूज देख सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं वैसे आप इसके ऑफिशियल कोर्सेज के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू, प्रिंटेड कॉम्प्रेंसिव नोट्स एंड टू एंड प्रिपरेशन, और लाइव मेंटरशिप, ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो लाइव डीवी कोड है जिसको आपको यूज़ करना है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पर, ठीक है। तो लाइव डीवी कोड जो है इसके अंदर ये अभी आप देख सकते हैं, ये चार शीट है, 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स की सब्सक्रिप्शन, ये आप ले सकते हैं। बहुत सारे नए कोर्सेज हैं, जैसे अभ्यास का महासंग्राम नाम का कोर्स है, इसको आप लाइव डीवी कोड यूज़ करके ये कोर्सेज आप अलग से भी ले सकते हैं स्टोर से अन अकेडमी की, या फिर आप पूरा कोर्स ले सकते हैं जिसके अंदर सारे ही कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, वेदर इट इज 2026, वेदर इट इज 2024, सारे ही कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो वन कोड मल्टीपल बेनिफिट्स आर देयर, ठीक है। ऑल 100+ टॉप एजुकेटर्स विल बी एक्सेसिबल टू यू, फ्री क्लास यहाँ पर आपको मिलेगी, बहुत सारी क्लासेस आप अनलॉक कर सकते हैं विद द कोड लाइव डीवी, फ्री क्विजेज आपको यहाँ पर मिलेगी, प्लस 10% डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा प्लस कोर्सेज के ऊपर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा गाइडेंस यहाँ पर आपको मिलेगा, राइट। चलिए, तो कल का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल 10 अप्रैल है, और 10 अप्रैल को हम 2 फ्री कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, दिस 2 फ्री कोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, दिस इज एक कोर्स है सी सेट का, यहाँ पर अपन देखेंगे अप्रैल मंथ में हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, बिकॉज अप्रैल मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। एक कोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सी सेट का कोर्स रहेगा, ठीक है। सी सेट के अंदर कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे, एज वेल एज हम क्या करेंगे इसके अंदर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वाले भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सी सेट के अंदर अगर आप देखें तो ये जो कोर्स होगा ये 10th को 10 बजे यहाँ पर रहेगा, 10 AM पर रहेगा, पर स्पेशल क्लासेस के अंदर रहेगा, ठीक है। स्पेशल क्लासेस का लिंक आपको जनरल स्टडीज विद देवराज वर्मा नामक टेलीग्राम ग्रुप से मिल गया हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये 11 बजे ये रहेगा। तो एक क्लास 10 AM पर होगी, एक क्लास 11:30 AM पर होगी, एक क्लास 9:15 PM पर होगी, और एक क्लास आपकी होगी 11 PM पर, ठीक है। तो 4 क्लासेस कल आपके, कल से आपके लिए डेली ये 4 क्लासेस हम लेकर आएंगे, ठीक है। 4 क्लासेस इन अ डे आपको अटेंड करनी है, बिकॉज अप्रैल का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी, और हम एजुकेटर्स के लिए भी, हमको भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंट्रीब्यूट करना है, फ्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपन समझते हैं पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट की अगर फुल फॉर्म आप देखेंगे तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। अभी न्यूज़ के अंदर इसलिए बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करा कि एज ऑफ कंसेंट जो है ना इसका इसकी एज के ऊपर आप वापस से इसको एग्जामिन करें, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट को वापस से एग्जामिन करें कि सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है उसके बीच में एज ऑफ कंसेंट जो है उसको वापस से आपको एक बार एग्जामिन करनी चाहिए कि उस एज को आपको बढ़ाना चाहिए या फिर आपको किस तरह से उसको देखना चाहिए एक बार, राइट। तो अब पॉक्सो एक्ट का मतलब क्या है, देखिए ये एक पहले समझिए ये है किस लिए, ठीक है। देखो चिल्ड्रंस जो होते हैं ना उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बहुत इजीली हो सकता है, ठीक है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बहुत इजीली हो सकता है, तो उस सेक्सुअल क्योंकि उनको तो पता नहीं, बच्चे हैं, ठीक है, उनको हो सकता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो जाए, ठीक है। कोई भी बड़ा उनकी फैमिली मेंबर भी कर सकते हैं या फिर कोई भी रिलेटिव भी कर सकते हैं या कोई भी बाहर का लोग भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर, तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन चिल्ड्रंस का रोकने के लिए, बिकॉज चिल्ड्रंस आर वेरी वेरी इनोसेंट, ठीक है, उनको पता ही नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो उनका रोकने के लिए एक स्ट्रिंजेंट कानून की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज पॉक्सो एक्ट, उसको अपन पॉक्सो एक्ट कह रहे हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 को अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे चिल्ड्रन का मतलब क्या है, चिल्ड्रन का मतलब है दोज हु आर लेस देन 18 ईयर, 18 ईयर्स
नीचे नीचे जो एज वाले हैं उनको अपन चिल्ड्रंस बोर्ड, ठीक है, तो उनका सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, उनका सेक्सुअल असॉल्ट ना हो, पोर्नोग्राफी के अंदर वो इन्वॉल्व ना हो, इसके लिए एक स्ट्रिंजेंट कानून बनाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसको हमको इसके अंदर समझना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के, है ना, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सबसे पहला पॉइंट ये है, 18 साल से कम बच्चों के वो अगर कोई सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा है, सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है या फिर पोर्नोग्राफी के अंदर इन्वॉल्व कर रहा है, तो उसके लिए एक स्ट्रिंजेंट कानून है, दैट इज पॉक्सो एक्ट, ठीक है, पॉइंट नंबर वन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये देखिए, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18, है ना, तो यहाँ पर चिल्ड्रन का मतलब क्या है, 18 साल से कम, ठीक है, फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी, ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर वन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर टू, अच्छा मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये सिर्फ, देखो अगर मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, ये अडल्ट पर्सन है, ठीक है, ये चाइल्ड के साथ अगर मान लो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उसका, सेक्सुअल, क्योंकि चाइल्ड को तो पता नहीं 18 साल से कम बच्चा चाइल्ड कहलाया जाएगा, चाइल्ड को तो पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, इसका कंसेंट है नहीं है, दैट इज डिफरेंट, दैट इज नॉट अ इशू इधर, क्योंकि यहाँ पर इस बच्चे को पता ही नहीं है, है ना, तो इसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो ये जो पर्सन होगा ये एक तरह से क्या होगा, एक्यूज्ड होगा, दिस इज नोन एज एक्यूज्ड, ठीक है, और इसको विक्टिम माना जाएगा, चाहे एज ऑफ कंसेंट, चाहे कंसेंट हो चाहे ना हो, पर इसको विक्टिम माना जाएगा, राइट, क्योंकि इसको बच्चों को अभी पता नहीं। अच्छा मान लो कि दो बच्चों के बीच में अगर हो रहा है ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है दो बच्चों के बीच में, ठीक है ना, तो बच्चों के बीच में, ये भी 18 साल से कम का है, ये भी 18 साल से कम की है, राइट, तो इसको पॉक्सो एक्ट के अंदर नहीं डाला जाएगा, इसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इसके लिए अलग से एक्ट है, दैट इज नोन एज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। तो पॉक्सो एक्ट इज ओनली एप्लीकेबल टू द चाइल्ड सर्वाइवर एंड अडल्ट ऑफेंडर, ऑफेंडर जो होता है अडल्ट होना चाहिए, अगर चाइल्ड चाइल्ड के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है या सेक्सुअल असॉल्ट या फिर सेक्सुअल ये सब चीज़ें हो रहा है, तो चाइल्ड और चाइल्ड के बीच में, ये भी 18 साल से कम का है, ये भी 18 साल से कम की है, राइट, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इसको क्या 18 साल से ज़्यादा कम का है, राइट, दोनों 18 साल से, तो इसको हम पॉक्सो एक्ट के अंदर नहीं डालेंगे, इसको हम क्या डालेंगे, इसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर डालेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, इफ टू चिल्ड्रन हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद ईच अदर और इन केस ए चाइल्ड परपिटेट ए सेक्सुअल ऑफेंस ऑन एन अडल्ट, द जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 विल अप्लाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पॉक्सो एक्ट ओनली फॉर दोस, एक अडल्ट है जिसके अंदर और दूसरा जो है दैट इज व्हाट, दैट इज ये बच्चा है, कोई भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, इसके साथ अगर इसने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, सेक्सुअल रिलेशनशिप कर लिया, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन माना जाएगा उसको और इसके अंदर पॉक्सो एक्ट लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए दो बच्चे ही है, ठीक है, तो इनके बीच में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगेगा, या फिर एक बच्चा है और एक अडल्ट है ना, बच्चा जो है उसने वो एक्यूज है इसके अंदर, इसके इसके अंदर बच्चा एक्यूज है मान लीजिए और अडल्ट जो है वो विक्टिम है, ठीक है, तो इसके अंदर भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, आपको याद है निर्भया केस के अंदर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर लगा था, एक एक उसके अंदर एक जो था सेक्सुअल असल्ट जिसने करा था वो क्या था, एक इसका 18 ईयर से कम के एज का था, तो उसको क्या है, उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर रखा गया, राइट। तो डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी पेनिट्रेटिव सेक्स, ठीक है, और नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हो सकता है और इवन एक्सप्लॉयटेशन विल आल्सो कंसीडर एज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ठीक है। तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के अंदर पॉक्सो एक्ट के अंदर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की डेफिनेशन आपसे पूछे तो इट कैन बी पेनिट्रेटिव, इट कैन बी नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इट कैन बी हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इसके अंदर कंसिडर किया जाए, ठीक है। इसके अंदर और क्या प्रोविजन है, इसके अंदर देखिए चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म होगा एट द स्टेज ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस जो होगा उसके अंदर पूरा चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म होगा, ठीक है, जिसका मतलब रिपोर्टिंग होगा उसके अंदर, ठीक है, रिपोर्टिंग के अंदर बिल्कुल चाइल्ड फ्रेंडली, ऐसा नहीं कि चाइल्ड के साथ बहुत ज्यादा आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्श हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, जब रिपोर्टिंग होगा तो उसके अंदर भी कंसिडर किया जाएगा कि भाई चाइल्ड का जो है उसका फ्रेंडली मैकेनिज्म के अंदर रिपोर्टिंग हो रहा है, ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस उसमें भी ये देखा जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी देखा जाएगा और इसकी स्पीडी ट्रायल होगी इन ऑफिशेंसीज और इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें बनाए, इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनेंगे, जो नॉर्मल जुडिशरी है वैसे कोर्ट्स नहीं, स्पेशल कोर्ट्स बनेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को देखेंगे, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी केस को देखेंगे। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें, एक तो स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन है,
एक चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म है हर स्टेज पे जुडिशियल प्रोसेस के, जैसे रिपोर्टिंग से लेकर रिकॉर्डिंग से लेकर इन्वेस्टिगेशन से लेकर स्पीडी ट्रायल, यहाँ पर इस तरह से लेके एविडेंस ऑफ चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द स्पेशल कोर्ट। एविडेंस जो है चाइल्ड के वो 30 दिन के भीतर भीतर आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एंड रीजन फॉर द डिले इफ एनी शैल बी रिकॉर्डेड बाय द स्पेशल कोर्ट। ठीक है, कोई भी डिले होता है तो उसका रीजन आपको देना होगा। स्पेशल कोर्ट शैल कंप्लीट द ट्रायल एज फार एज पॉसिबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना है, स्पीडी ट्रायल के अंदर इसको इसको सॉल्व करना। ठीक है, इट ऑल्सो पनिशेस क्रिमिनल हु आर इन पोजिशन ऑफ ट्रस्ट ऑफ अथॉरिटी लाइक पब्लिक सर्वेंट्स, स्टाफ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पुलिस। अगर ये लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो इनको बहुत इसको इनको क्या करता है, इनको भी पनिश किया जाता है और इनके लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स है। ठीक है, तो पनिशमेंट की बात करें तो 7 साल का पनिशमेंट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का अब्यूज करा गया, चाइल्ड अब्यूज करा है। 7 साल से लेकर अगर आप देखेंगे तो इम्प्रिजनमेंट भी लग सकता है, फाइन भी लग सकता है, और 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक ये हो सकता है। ठीक है, तो 7 साल मिनिमम पनिशमेंट है। ठीक है, अगर हम देखें पॉक्सको एक्ट के अंदर अगर आपसे पूछा जाए मिनिमम क्या है, मिनिमम जो इम्प्रिजनमेंट क्या है, तो 7 ईयर्स का है, और 7 ईयर्स से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, प्लस फाइन वाइन तो लगेंगे, राइट। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द अक्यूज्ड। अगर मान लीजिए, देखिए इसके अंदर ये भी है, मान लीजिए ये एक बच्चा है, ठीक है, इसने और एक बड़ा है, राइट, ये अडल्ट है, इसने इसको सेक्सुअल अब्यूज करा, इस बच्चे को सेक्सुअल, बच्चा है या फिर बच्ची है, इसको सेक्सुअल अब्यूज करा, तो अब इसके ऊपर अगर केस फाइल होता है तो इसके ऊपर पूरा बर्डन आता है कि ये अपने आप को प्रूफ करेगा कि भैया मैंने ऐसा नहीं करा। ठीक है, तो अक्यूज इज डीम्ड टू बी गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। जब तक इनोसेंट नहीं होगा तो उसको गिल्टी ही माना जाएगा। केस मतलब आपने फाइल कर दिया और ये गिल्टी हो गया, अब इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, ये डिसाइड करेगा, ये बताएगा कि ये प्रूफ करेगा कि भैया देखो मैं गिल्टी नहीं हूं, इसका वकील ये सब पूरा करेगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ में आ रहा है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द अक्यूज्ड, इसका मतलब समझ में आ गया सभी बच्चों को। और अक्यूज इज डीम्ड टू बी गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, इट डिफाइंस ए चाइल्ड एज एन पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो मल्टीपल डायमेंशन में पॉक्सको एक्ट समझ गए अपन, है ना, समझ में आ रहा है। अब बिल्कुल ध्यान रखो, कल से आपकी लाइफ बदलने वाली है, क्योंकि कल से 4 क्लासेस होंगे आपकी, मेरी तरफ से 4 क्लासेस, बिकॉज मैंने कहा था कि अप्रैल मंथ के अंदर मैं आपके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेकर आऊंगा। एक क्लास होगी 10 AM पर, दैट इज सी सेट की क्लास। सी सेट के अंदर हम कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे, और कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ हम यहाँ पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और वर्बल एप्टीट्यूड भी करेंगे। 1 महीने के अंदर मैं तुमको इतना कुछ पढ़ा दूंगा जिससे कि आपके मोर देन 50% मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको लाने 33% मार्क्स है, मैं आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स लाकर बता दूंगा, राइट। 10 AM को एक ये पेपर होगा, ठीक है। दूसरा पेपर जो दूसरा जो क्लास होगा वो होगा 11:30 PM को, 11:30 AM को, जो अभी हो ही रहा है, राइट। तीसरा क्लास जो होगा दैट इज 9:15, इसके अंदर अपन हिस्ट्री के MCQ कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के MCQs, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होने वाली है अपनी, इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी एनवायरमेंट साइंस। और अब आपकी है ना संडे को भी क्लास होगी, और इसके बाद आपका एक 11 बजे क्लास होगा, 11 PM पर, है ना। और ये क्लास जो होगा आपका पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज वाला जो है वो सब चीज़ें, ठीक है, प्लस पंचायत, तो ये जो चीज़ें हैं जो आप छोड़ देते हैं। देखो प्रेसिडेंट तो आपने पढ़ ही ले होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी पढ़ ही ले होंगे, ठीक है, पार्लियामेंट भी पढ़ ही लिया होगा आपने, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी पढ़ ही लिया होगा, पर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने कम पढ़ी हैं, इन सब चीज़ों को मैं आपको लर्न भी करवा दूंगा, ट्रिक्स के साथ याद भी करवा दूंगा। ठीक है, तो ये क्लास 11 बजे वाली क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। नेक्स्ट, डिजिटल शक्ति 4.0। डिजिटल शक्ति 4.0 किसने लॉन्च करा है, सबसे पहले तो ये समझो 3 लोगों ने मिलकर लॉन्च करा है डिजिटल शक्ति। डिजिटल शक्ति, ठीक है, शक्ति का मतलब क्या है, शक्ति का मतलब जैसे आपने हिस्ट्री के अंदर शक्ति कल्ट पढ़ा होगा, जैसे एक शिव है तो शिव की शक्ति है पार्वती, ठीक है, तो शक्ति का मतलब एक तरह से लेडी समझो, ठीक है, मतलब फीमेल, ठीक है, तो इट इज अ वीमेन बेस्ड स्कीम, ठीक है, जिसके अंदर क्या कर रहा है, डिजिटल शक्ति 4.0 के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर डिजिटली स्किल्ड बना रहे हैं वीमेन को, वीमेन को डिजिटली स्किल्ड बनाया जा रहा है। ठीक है, तो डिजिटल शक्ति से शक्ति आप याद करेंगे, शक्ति का मतलब क्या है कि साहब शक्ति जो है मतलब वीमेन को डिजिटली स्किल्ड बनाया जा रहा है। ठीक है, डिजिटल का मतलब क्या है, डिजिटल का मतलब कौन सा सोशल नेटवर्किंग चैनल आप मतलब प्लेटफॉर्म आपको याद आता है, अगर आप सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कहें तो हम देखेंगे फेसबुक आपको याद आता है, फेसबुक का नया नाम है मेटा, ठीक है, तो डिजिटल शक्ति
डिजिटल से आप याद कर लेंगे मेटा, और शक्ति से आप याद कर लेंगे नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ठीक है, इतना हो जाएगा याद, है ना, समझ में आ रहा है। और साइबर है क्योंकि डिजिटल है, तो डिजिटल से एक और चीज़ याद कर लो, साइबर मतलब ये जो है इसको लॉन्च करने वाले तीन लोग हैं, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन शक्ति से याद कर लोगे, साइबर पीस फाउंडेशन जो है डिजिटल से याद कर लोगे, साइबर साइबर कैफे में जाते हो, साइबर कैफे में जाके फेसबुक खोलते हो, मेटा टू क्रिएट ए सेफ साइबर स्पेस फॉर द वीमेन एंड द गर्ल, वीमेन और गर्ल के लिए एक सेफ साइबर स्पेस क्रिएट किया है। इसके अंदर क्या होगा, पैन इंडिया प्रोजेक्ट है फॉर मेकिंग वीमेन डिजिटली स्किल्ड एंड अवेयर टू स्टैंड अप अगेंस्ट एनी इलीगल इन अप्रोप्रिएट एक्टिविटी ऑनलाइन। मान लीजिए कोई भी वीमेन है, उसकी कोई भी इन अप्रोप्रिएट एक्टिविटी का मतलब क्या है, जैसे उसकी फोटो सर्कुलेट हो रही है मान लीजिए, तो उसके प्रति अवेयर हो, उसकी राइट्स क्या क्या है, ये सब चीज़ें इसके अंदर दी गई है। तो वीमेन को सेंसिटाइज करा जा रहा है, 1 करोड़ वीमेन के आसपास, 1 मिलियन वीमेन के आसपास इनका ये गोल है कि 1 मिलियन वीमेन जो है उसको सेंसिटाइज करा जाएगा टुवर्ड्स देयर राइट्स, और साइबर स्पेस को किस तरह से, साइबर स्पेस को किस तरह से अपन क्या कर सके, सिक्योर कर सके। तो मतलब आपको कैसे याद करना है, डिजिटल शक्ति, डिजिटल शक्ति 4.0, ठीक है, तो डिजिटल शक्ति 4.0, डिजिटल शक्ति जो है इनिशिएटिव है जिसका वर्जन 4 अभी चल रहा है। तो डिजिटल से आप याद करेंगे दो चीज, साइबर कैफे गए और साइबर कैफे खो करके फिर फेसबुक खोल लिया, ठीक है, फेसबुक मतलब मेटा हो गया। आप शक्ति का मतलब है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, 3 चीज़ें याद होगी, साइबर कैफे, ठीक है, मेटा, फेसबुक और नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पर आप देखिए 1 मिलियन जो वीमेन है उनको सेंसिटाइज किया जाएगा, इसका पहला फेज जो स्टार्ट हुआ था 2018 के अंदर वो था, और दिस इज 4.0 मतलब 2.0 3.0 आ चुके हैं 4.0। इट एम्स टू इंश्योर साइबर सेफ साइबर स्पेसेस फॉर द वीमेन, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलो एक क्यूएस स्कीम मैंने आपको बताई थी, क्यूएस एक तरह से क्या है, रैंकिंग सिस्टम, कहाँ पढ़ा था मैंने क्यूएस रैंकिंग सिस्टम, एनीबडी इन द क्लास, क्यूएस रैंकिंग सिस्टम, एनीबडी इन द क्लास, चलो बताओ, जो बच्चे रिवीजन कर रहे होंगे बता ही देंगे। बताएं क्यूएस रैंकिंग सिस्टम, आप बताओ पहले, फिर स्टार्ट करूंगा मैं, ये पढ़ा रखा है मैंने आपको, और अभी पढ़ाया, ज्यादा दिनों पहले नहीं पढ़ाया, वेरी गुड, एक्स वाई गेमिंग ने बता दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ठीक है। तो क्यूएस किसके लिए था, पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए क्यूएस रैंकिंग सिस्टम देखा जाएगा, ऐसा अपन ने कहा था ना, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में डालने के लिए NIRF का रैंकिंग देखा जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है, याद है सबको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो क्यूएस क्या होता है, क्यूएस रैंकिंग सिस्टम क्या होता है, ये अपन समझे। तो देखिए क्वार्क क्वारेली साइमंड्स इसका पूरा नाम है, क्यूएस मतलब क्वार्क क्वारेली साइमंड, ये वर्ल्ड का लीडिंग प्रोवाइडर है सर्विस का, एनालिटिक्स का, ठीक है, इनसाइट ऑफ द ग्लोबल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ग्लोबल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर इस तरह से देखते हैं, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो क्यूएस रैंकिंग क्या है, एक एनुअल पब्लिकेशन है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देता है, विच कंप्राइजेस ग्लोबल ओवरऑल एंड सब्जेक्ट रैंकिंग, ठीक है, ग्लोबल ओवरऑल और सब्जेक्ट रैंकिंग, ये दो तरह की रैंकिंग ये इसके अंदर देता है। फिर मेरा अब ये किसके बेसिस पे देता है, ये देखो कि 6 पैरामीटर्स है इसके अंदर, 6 पैरामीटर देखता है। कोई भी इंस्टीट्यूट को अगर रैंकिंग देनी है, मान लो हमारे IIMs को देनी है, IITs को देनी है, तो उसके अंदर देखा जाएगा सबसे पहले कि इस इंस्टीट्यूट की एकेडमिक रेपुटेशन क्या है, उसको दिया जाएगा 40% का वेटेज। दूसरा दिया जाएगा कि एम्प्लॉयर का रेपुटेशन क्या है, कि भाई इस इंस्टीट्यूट के अंदर कौन एम्प्लॉयर काम करता है, तो उसका रेपुटेशन ऑफ लेवल क्या है, कि IIT का प्रोफेसर हूँ मैं, तो इसका क्या रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, ठीक है। फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशो क्या है, ये देखा जाता है, एकेडमिक रेपुटेशन देखा जाता है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन और फैकल्टी स्टूडेंट्स का रेशो, साइटेशंस पर फैकल्टी, ठीक है, और इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो, कि इंटरनेशनल फैकल्टी कितनी है इसके अंदर, और इसके साथ साथ देखा जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने हैं, इन सबका वेटेज देख, इन सबका अलग अलग वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज एकेडमिक रेपुटेशन का है, उसके बाद देखेंगे फैकल्टी स्टूडेंट रेशो का है, साइटेशन पर फैकल्टी इसका है, इसके बाद अपन देखेंगे एम्प्लॉयर रेपुटेशन है, इसके बाद इंटरनेशनल फैकल्टी कितनी है उसके अंदर, और इंटरनेशनल स्टूडेंट कितना है, इनके वेटेज के हिसाब से रैंकिंग निकाला जाता है। Is this clear with everyone?
तो इसके अंदर क्या होगा, क्यूएस रैंकिंग सिस्टम के अंदर इनकी बेसिस पे रैंकिंग निकाला जाता है, जिसके अंदर बहुत सारा अलग अलग मेथड से कंपैरेटिवली डेटा कलेक्शंस किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, हाईलाइट इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथ, ठीक है, लीडिंग ग्लोबल कैरियर करियर और एजुकेशन नेटवर्क है फॉर एम्बिशियस प्रोफेशनल्स लुकिंग फॉर द फर्दर देयर पर्सनल एंड द प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अब हमारी इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग देखो, इंडियन इंस्टीट्यूशन IISc बैंगलोर, ये सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, टॉप मोस्ट, और इसका रैंक देखिए 155th रैंक है, मतलब ये हमारा पहला इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मतलब हमारी अगर पहले इंडिया की पहला इंस्टीट्यूट देखें तो 155th नंबर पर वो आ रहा है। इसके बाद IIT आता है, IIT बॉम्बे 172 पर और IIT दिल्ली 174 पर आता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट जो है दैट इज नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। एयर स्पोर्ट मतलब समझ रहे हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग होती है, ठीक है, लैंड करा दे भैया वो वाली, ठीक है, बैलून के अंदर, इस तरह की ये बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती है, दैट इज व्हाट, दैट इज नेशनल एयर, दैट इज एयर स्पोर्ट्स। तो नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये कौन बनाएगा, ऑब्वियसली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की ये एक पॉलिसी बनाई गई है, जिससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोग भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा एयर स्पोर्ट्स हो, और एयर स्पोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा होंगे तो ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म अट्रैक्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा भारत के अंदर इकोनॉमी के जनरेशन होगा। तो लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्च करती है। अच्छा, अगले संडे को ध्यान रखें, बिल्कुल ध्यान रखें, अगले संडे को 8 बजे से लेकर 3 बजे तक फ्री रहना। क्यों सर, 8 बजे से लेकर 3 बजे तक फ्री रहना, हम लोग साथ में बैठकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है, एक मैराथन सेशन है, मैराथन सेशन नंबर 4, ठीक है। तो संडे को सभी बच्चे ध्यान रखें, संडे को मैराथन सेशन 4 है, इस कमिंग संडे को, ठीक है, नेक्स्ट वाले संडे, मतलब अभी 7 दिन बचे, अपने आपको प्रिपेयर कर लो, ठीक है, 8 बजे से लेकर 3 बजे तक अपन को बैठना है मैराथन सेशन के लिए, ठीक है। तो कौन कौन बच्चा बैठेगा बताएं, और अभी आज या कल के अंदर इवेंट बन जाएगा, तो उस इवेंट को सबको सर्कुलेट करना है आपको, राइट। एम क्या है, प्रोवाइडिंग सेफ अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल एयर स्पोर्ट इकोसिस्टम इन द कंट्री, है ना। और विजन क्या है, देखो एम विजन जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजन क्या है, इसका विजन है टू इंक्लूड इंडिया अमंग द टॉप एयर स्पोर्टिंग नेशन बाय 2030। 2030 तक टॉप स्पोर्टिंग नेशन के अंदर इंडिया आ जाए। अब ये स्पोर्ट्स है साहब, एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग, मॉडल रॉकेटरी, अमार्चर, बिल्ड एंड एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, बैलूनिंग, ड्रोन्स, ग्लाइडिंग, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे इसके अंदर स्पोर्ट्स कवर हो रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें, अप्रोक्सीमेटली ना देखें तो अगर आप देखें टोटल स्पोर्ट्स जो है वो 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि भैया बताओ कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, नहीं ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स कितने हैं। तो 11 डिफरेंट डिफरेंट एयर स्पोर्ट्स जो है उसको डेवलप करने की बात चल रही है। कब तक डेवलप, 2030 तक आप देखेंगे टारगेट लिया गया टॉप एयर स्पोर्टिंग के अंदर आ गया। तो कोई भी पॉलिसी होती है, जैसे मैं आपको बहुत सारी पॉलिसी पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, तो कोई भी पॉलिसी होती है तो उसके अंदर सबसे पहले आपको देखना होता है कि भाई इस पॉलिसी के अंदर क्या इसका विजन क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्या इसका गोल है, कुछ गोल होगा तो गोल देखिए। अच्छा, इसको कौन देख रहा है, एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द MCA, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन विल बी अपेक्स गवर्निंग बॉडी, इट रिप्रेजेंट इंडिया एट फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर इन लॉसने स्विट्जरलैंड एंड अदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म रिलेटिंग टू द स्पोर्ट एक्टिविटीज, ठीक है। FAI जो है दैट इज ये जो फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल जो है इज ए वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फॉर द एयर स्पोर्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप याद रखें कि कल से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, कल से 3 क्लासेस आपको देखनी है, ठीक है, 10 बजे से ही आपको बैठ जाना है, 10 AM, 11:30 एज वेल एज योर 11:30 के बाद 9:15 PM, आज भी यही क्लास 9:15 वाली ना, हिस्ट्री की, और हिस्ट्री के बाद फिर अपन एनवायरनमेंट करेंगे, 9:15 के बाद फिर अपना 11 PM, ये सारी क्लासेस है, ये आप उनको देखनी। आज के क्लास इतने रखते हैं, फ्रॉम थ्रॉट इन्फेक्शन इज देयर, ठीक है। तो शाम को मिलते हैं अपन, अब अपनी नेक्स्ट क्लास जो होगी शाम को होगी 9:15 PM पर, MCQ मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसके अंदर हम 1920 से लेकर मेजरली आप देखेंगे 1930 तक अपन के अंदर एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। इस ईयर के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं वो सारी एक्टिविटीज़ आप देख लेना, इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी भी है, इसमें अपना ये जो है साइमन कमीशन भी है, ठीक है,
और जिसके अंदर स्वराज मूवमेंट भी, मतलब स्वराज मूवमेंट तो नहीं बोले, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मूवमेंट अपन इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे कांग्रेस के सेशन है, ये सब कुछ आप इसके अंदर पढ़ लें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, थैंक यू सो मच। आराम करें संडे को थोड़ा, और पढ़ाई भी करते रहे, अप्रैल का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, थैंक यू सो मच, बाय।